में रजत पदक के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का एक और पदक अपने नाम कर लिया। अनुभवी ठाकुर ने कुल 346 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। 5 मेडल है इनके वेट लिफ्टिंग में, 5 गोल्ड है अब तक टोटल इनके जो मेडल हो गया, 5 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, 14 मेडल जीत चुके हैं। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। इन खेलों के पहले 5 दिन का खेल समाप्त हो गया है और 6ठे दिन का खेल जारी है। भारत ने 14 पदक अपने नाम कर लिए हैं। खेलों के पहले दिन भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदकों का खाता खाली रहा था। भारत के लिए पहला पदक संकेत सरगा ने जीता था। इसके बाद हर दिन भारत ने कम से कम 2 पदक जीते हैं। वेटलिफ्टिंग में ही अब तक भारत ने 9 पदक जीत लिए हैं। भारत ने अब तक CWG 2022 में कुल 14 पदक जीते हैं, जिनमें 5 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो इस वक्त क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, ब्रॉन्ज फॉर इंडिया, लवप्रीत सिंह विंस ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस, ये सुपर होती है हैवी वेट 109 किलोग्राम है, इसी में हमारा जो है वो नू भी है, वो मैं चेक कर लेता हूं। टोटल जो है वेट लिफ्टिंग में 9 मेडल है, 9 मेडल है इनके वेट लिफ्टिंग में, 5 गोल्ड है अब तक टोटल इनके जो मेडल हो गए हैं, 5 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, 14 मेडल जीत चुके हैं। 5 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, अगली सुन ले, 4 और मेडल अपॉर्चुनिटीज है। आउट ऑफ द टॉपिक है लेकिन कुमार कार्तिकी आपको याद है मुंबई इंडियंस का, 9 साल के बाद फैमिली से मिलने गया, इमोशनल सीन, कि वो कहता था जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊंगा आई विल नॉट सी माई फैमिली। किसमें जीता ये? कुमार कार्तिकीय यार, मुंबई इंडियन का जो प्लेयर है। अच्छा, जो वो प्लेयर। 9 साल पहले घर छोड़ गया था कि जब तक मैं लाइफ में कुछ नहीं बनूं। फर्स्ट, ये वैसे कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा, 9 साल ही छोड़ के घर। फर्स्ट बॉक्सिंग मेडल अश्योर फॉर इंडिया एज नीतू कंफर्टेबली विंस आवर फर्स्ट राउंड क्वार्टर फाइनल बाउट टू रीच सेमीज 48 किलोग्राम। 2 ब्रॉन्ज मेडल होते हैं इन बॉक्सिंग, जो सेमीफाइनल जो भी खेलते हैं दोनों को मिलता है, जो जीतता है। और वो तुलिका मेनन मन स्ट्रॉन्ग इनटू जूडो फाइनल प्लस 78 कैटेगरी, सिल्वर तो शोल्ड है, गोल्ड के लिए वो फाइट करेगा आज रात को। सेमीफाइनल में वुमेन्स के वो आपको बताया कनाडा को 3-2 से हरा के हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। आज क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के जो गेम्स हैं, पहले पाकिस्तान की अपडेट के ऊपर नजर डाल देते हैं। लवरीत पिंग लवप्रीत सिंह आज ब्रॉन्ज मेडल से उन्होंने इंडिया की मेडल टैली का आगाज किया है। ये पाकिस्तान गेम्स चल रहे हैं मेरे उल्टे हाथ के ऊपर जहां आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आज आपको पाकिस्तान की कंडीशन में बता देता हूं, हंजला दस्तगीर बट उन्होंने आज कंपीट किया वेट लिफ्टिंग के अंदर, जिसमें लवप्रीत सिंह ने ये ब्रॉन्ज मेडल उठाया है। तो पाकिस्तान वहां से भी मेडल होप अपनी ना ले सका, पहुंच गया 50 लाख रुपए पंजाब गवर्नमेंट की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, लवप्रीत सिंह को 109 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीतने पे मिलेगा। और इस वक्त जो हालात है, एंटी डोपिंग जो है 2022 बिल पार्लियामेंट ने इंडिया की पास करके इंश्योर कर दिया, इंडियन एथलीट डजंट इनगल इनटू डोपिंग एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट प्लेयर्स फ्रॉम इनकरेक्ट ड्रॉपिंग रिजल्ट। ये नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वर्थ 900 करोड़, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 900 करोड़ की लागत से पार्लियामेंट ने, इंडिया की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दी है। पीएम मोदी साहब हिमसेल्फ मॉनिटर करेंगे सारी इस वर्क की। टारगेट गिवन टू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू कंप्लीट द यूनिवर्सिटी जुलाई, यानी कि लेस देन अ ईयर, 900 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी वहां का प्राइम मिनिस्टर बना रहा है। रीत प्रिंस सिंह क्यों मेरे मुंह पे नहीं चढ़ा, लवप्रीत सिंह। लवप्रीत सिंह और हंजला दस्तगीर बट की अगर आप इस गेम की तरफ नजर डालें और अगर आप लोगों ने देखा हो तो हंजला का पहला जो स्नैच के अंदर लिफ्ट था वो 135 था, जो कि सबसे अमंग 11 एथलीट्स के कम था, जितने 11-12 इसमें कंपीट कर रहे थे, 11 कंपीट कर रहे थे, तो उसमें पाकिस्तान का टोटल हंजला का जो टोटल कम्युलेटिव जो वेट भी आया लिफ्टेड वो भी 9वें नंबर के ऊपर है, 315 टोटल ऑल टुगेदर। क्लीन एंड जर्क में पहली उसकी अटेम्प्ट कामयाब थी 173 की, दूसरी भी फेल हुई, तीसरी भी फेल हुई, वो 180 का डिफरेंस डालना चाह रहा था। हाँ, अगर 180 ये डाल देता, 7 किलो का डिफरेंस मिलता तो एटलीस्ट पाकिस्तान 9वें पे नहीं तो 8वें पे खत्म हो जाता, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर जो सबसे हाईएस्ट कैमरॉन के जूनियर ने जो इसको लिफ्ट किया वो 361 किया। पहले बताओ आप बड़े एक्सपीरियंस हो मेडल्स में और आप मेडल्स का जो बंच है वो इकट्ठा करके आप
अब और उसको बढ़ा रहे हो, क्या क्या इसके लिए पीछे राज है वेट लिफ्टर्स इतना अच्छा कर रहे हैं? मैम आपने बिल्कुल सही कहा, ये मेरा तीसरा मेडल है कॉमन गेम्स में। इससे पहले सिल्वर था मेरा 2014 ग्लासगो में, फिर गोल्ड कोस्ट में मेरा ब्रॉन्ज हुआ। इस बार मुझे था कि मेडल का रंग बदलेंगे कि तीनों मेरे पास तीनों एक साथ हो जाएंगे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, बट एंड में एंड ऑफ द डे मुझे इससे संतुष्टि करनी पड़ी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और काफ़ी सालों से मैं इंटरनेशनल कैंप में हूँ, और मैं आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मुझे इस मेडल की सबसे ज़्यादा खुशी है जी। आज तक लाइफ में जितनी मैंने मेडल जीते हैं इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है।